हेलो फ्रेंड्स, आज हम रवा पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं जो भी तवे पर। आपने मैदे का पिज़्ज़ा तो खाया ही होगा, लेकिन आज हम सूजी का बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसका टेस्ट सेम ही मैदे जैसा आता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें एक कप सूजी डालेंगे। इसमें 1.5 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। सोडा हम थोड़ा कम ही यूज करेंगे क्योंकि इस पिज्ज़ा में कड़वाहट आ सकती है। मिक्सी का जार बंद करके अब हम इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हम चीनी डालेंगे, 1/2 करके इसमें दही डालेंगे, एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हम डो को 2 मिनट के लिए अच्छे से गूथेंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 5 मिनट हो चुकी है, पिज्जा का जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब हम पिज्जा बेस बनाएंगे। इसे मैंने गोला बना लिया है, अब मैं इसे बेलन से बेलूंगी। आप इस पे ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं। चारों तरफ से हम इसे इक्वली रखेंगे और राउंड शेप में बेलेंगे। इसे थोड़ा हम थिकी रखेंगे जिससे कि हमारा पिज्जा अच्छे से बने। हमारा पिज्जा बेस अच्छे से बेल चुका है। अब एक पैन लेंगे, उसे ऑयल से या घी से अच्छा सा ग्रीस करेंगे। अब पिज्जा बेस डालेंगे, उसे हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, एक फॉर्क की हेल्प से इसमें डॉट करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे लीड रखकर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुकी है, पिज्जा बेस नीचे से पक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। गैस को हम बंद करेंगे। अब पिज्जा बेस के ऊपर हम सेजवान चटनी लगाएंगे और पिज्जा सॉस लगाएंगे। अच्छे से हम फैलाएंगे। इसके बाद कसा हुआ मोज़रेला चीज डालेंगे। टॉपिंग के लिए ग्रीन कैप्सिकम लगाएंगे। मैं इनको चारों तरफ लगा रही हूँ। उसके बाद हम रेड कैप्सिकम लगाएंगे। उसके बाद हम टमाटर लगाएंगे। और प्याज भी लगाएंगे। ऊपर से मैं स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। उसके बाद हम मिक्स हर्ब डालेंगे, ऊपर से चिली फ्लेक्स डालेंगे। उसके बाद हम ऊपर से कसा हुआ मोज़रेला चीज डालेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे और 2 मिनट के लिए लीड रखकर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुकी है, हमारा पिज्जा बन चुका है जो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको काट कर दिखाती हूँ जो खाने में बड़ा यमी लगता है।